मेरा जय भीम। समझाने वालों को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, यही बात को आगे लेके मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौर्य राजा अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए, ये ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मेइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंगम के सहकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में विभाजित किया जाएगा किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेखों और स्तंभलेखों को 2 उपश्रेणियों में रखा जाता है। 14 शिलालेख सिलसिलेवार है, जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, चोपारा, धौली और जवगढ़ में मिले हैं। कुछ फुटकर शिलालेख असंबद्ध रूप में है और संक्षिप्त है, शायद इसीलिए उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। इस प्रकार के शिलालेख रूपनाथ, सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जतिन ग्रामेश्वर और ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं। दूसरी श्रेणी के लघु शिलालेख बैराट, येरागुड्डी और कोपबाल में मिले हैं। 2 अन्य लघु शिलालेख अभी हाल में ही अफगानिस्तान में, एक जलालाबाद में और दूसरा कंधार के निकट मिला है। इसके अलावा 7 लेख स्तंभों पर उत्कीर्ण है, जिसके कारण वह स्तंभलेख नाम से प्रसिद्ध है। ये स्तंभलेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में मिले हैं। कुछ स्तंभों पर केवल 1-1 लेख है, अतः उन्हें 7 स्तंभलेखों के क्रम से अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभलेख कहलाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभलेख सारनाथ, शाही, रुमनिंदेह और निगलियों में मिले हैं। अंतिम 3 लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनको गुफा लेखों के नाम से जाना जाता है। अभी शिलालेख में अशोक के बारे में हम देखेंगे। मौर्य काल के शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धम्म व्यावहारिक फल मूलक अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला और अत्यधिक माननीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसके लिए उसने जहां कुछ बातें लाकर बौद्ध धर्म से सुधार किया, वहां लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। वस्तुतः उसने अपने शासन काल में निरंतर यह प्रवास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। 7वें शिलालेख में अशोक ने कहा, सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। 12वें शिलालेख में उन्होंने घोषणा की कि अशोक सभी संप्रदायों के गृहस्थ और श्रवणों का दान आदि के द्वारा सम्मान करता है, किंतु महाराज दान और मान को इतना महत्व नहीं देते जितना इस बात को देते हैं कि सभी संप्रदाय के लोगों में समृद्धि हो। समृद्धि के लिए मूल मंत्र है वाक संयम। लोगों को अपने संप्रदाय की प्रशंसा तथा दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करना चाहिए। लोगों में सहमति समवाय बढ़ाने के लिए धम्म महापात्र तथा अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है। अशोक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपने आदेश लेख केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खुदवाया है, पर यह विचार न्यायसंगत नहीं है क्योंकि उसमें सभी संप्रदायों को प्रकट रूप से सहायता दी है। अशोक के चतुर्दश शिलालेख या मुख्य शिलालेख निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं। गिरनार में, सौराष्ट्र, गुजरात राज्य में जूनागढ़ के 150 ईसी में संस्कृत भाषा में एक लेख खुदवाया। बाद में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त उन्होंने भी यहाँ एक लेख अंकित करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ सुदर्शन नाम के एक सरोवर का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के लेखों में इसी सुदर्शन सरोवर के पुनर्निर्माण की चर्चा हुई है। दूसरा कालसी देहरादून जिला उत्तराखंड में, सोपारा प्राचीन सुपारक करके पुराना नाम उनका ठाणे जिला महाराष्ट्र में है। यहाँ से अशोक के शिलालेख के कुछ टुकड़े ही मिले जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखे हुए हैं। येरागुड़ी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है।
धौली पुरी जिला उड़ीसा में, जयगढ़ गंजम जिला उड़ीसा में। अब लघु शिलालेख निम्न स्थानों पर पाए गए हैं, बैराट राजस्थान के जयपुर में, यह शिलाफलक कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, रूपनाथ जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में, मस्की रायपुर कर्नाटक में, गुर्जेरा दतिया जिला मध्य प्रदेश में, राजुल मंडगिरी बेल्लारी जिला कर्नाटक में, सहसराम शाहबाद जिला बिहार में, गांधीमठ रायचूर जिला कर्नाटक में, पलकीगुंड गवीमठ के पास रायचूर कर्नाटक, ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग कर्नाटक, सिद्धपुर चित्रदुर्ग कर्नाटक, जटिंगा रामेश्वर चित्रदुर्ग कर्नाटक, येरागुड्डी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, दिल्ली में एक अमर कॉलोनी दिल्ली, अहरौरा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में। ये सभी लघु शिलालेख अशोक ने अपने राज कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए लिखवा है। अशोक ने सबसे पहले लघु शिलालेख ही खुदवाए थे, इसीलिए इनकी शैली उसके अन्य लेखों से भिन्न है। अशोक के ब्राह्मी लेखों के कुछ नमूने दे रहा हूं, लिप्यंतर और उसका अर्थ दिया हुआ है। रुमडिन देवी के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ यह लेख ब्राह्मी लिपि में है, वो बाई ओर से दाई ओर को पढ़ा जाता है। लिप्यंतर देखिए, उसमें पांच लाइनें लिखी है, देवान पियेन पियदसिन लाजिन विसति वस भी सितेन, अतन आगाच महीते हीद बुधे जाते सक्य मुनिति, शिला विगड़ भिया भिचा काल पित शिलाथ भेच पूस पापिते, हीद भगव जाते ती लुमिनी गामे उबलिके कटे अठ भागी येच। इसका अर्थ ये बताया गया है, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर इस स्थान की पूजा की, क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पत्थर की एक दीवार बनवाई गई और पत्थर एक स्तंभ खड़ा किया गया। बुद्ध भगवान यहाँ जन्मे थे, इसीलिए लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त कर दिया गया और आठवां भाग भी उसी ग्राम को दे दिया गया। अब देखते हैं अशोक का गिरनार का प्रथम शिलालेख, उसमें 12 लाइनें लिखी है, इस धम लिपि देवान प्रियेन प्रियदशिना राजा लेखा पिता इधन की चीजीव आरभिप्ता प्रजुहितव्य न च समाजो कतव्यो बहु कही दोष, समाज हमी वसति देवान प्रियो प्रियदशी राजा अस्तिपि चु एकता समाजा साधु मता देवान प्रियस प्रियदशिनो राजो पुरा महान सम्मी देवान प्रियस प्रियदशिनो राजो अनुदिवस बम हुनि प्राण सत सहस्त्राणि आरभिषु सुपाथाय से अज यदा अयन धम लिपि लिखिताति एवं प्रा ना आरभरे सुपाथाय दो मोरा एको मगो सोपी मगो न ध्रुवो एते पित्री प्राणा पचान आरभिसरे। इनका अर्थ दिया हुआ है, यह धर्म लिपि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखाई, यहाँ कोई जीव मारकर हवन ना किया जाए और न समाज आमोद प्रमोद वाला उत्सव किया जाए, क्योंकि बहुत दोष समाज में देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा देखता है। परंतु एक प्रकार के ऐसे समाज भी है जो देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के मत में साधु है। पहले पाकशाला में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की प्रतिदिन कई लाख प्राणी सुख के लिए मारे जाते हैं, किंतु आज जब यह धर्मलिपि लिखाई गई, तीन ही प्राणी मारे जाते, दो मयूर तथा एक मृग, और वह भी मृग निश्चित नहीं, ये तीन प्राणी भी बाद में नहीं मारे जाएंगे। अब देखते हैं अशोक का गिरनार का द्वितीय शिलालेख, उसमें लिप्यंतर दिया है, सर्वत विजितम्भि देवान प्रियस पियदशिनो राजो एव एवमपि प्रचन्तेउ यथा चोड़ा पाड़ा सतीय पुतो केतल पुतो आतंब पनी अतीय को योन राजा येवापि तस अतीय कस सामीपम राजानो सर्वत्र देवानं प्रियस प्रियदशिनो राजो द्वे चिकित्स कता मनुष्य चिकित्सा च पशु चिकित्सा च पशुधानी च यानी मनुष्योपगानी च पशुपगानी च यत यत नास्ति सर्वत हारा पितानी च रोपा पितानी च मूलानी च फलानी च यत तत्र नास्ति सर्वत्र हारा पितानी च
रोपा पिताने च पंथेशु कृपा च पंथेशु कृपा च खाना पिता प्रच्छा च रोपा पिता परी भोगाय पशु मनुष्यान। अर्थात देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्य में सब जगह और सीमावर्ती राज्य चोल पांड्य सतीय पुत्र केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी तक और अंतियोक यवनराज तथा उस अंतियोक के जो पड़ोसी राजा है उन सबके राज्यों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है, मनुष्यों की चिकित्सा के लिए और पशुओं की चिकित्सा के लिए। मनुष्य और पशुओं के लिए जहां जहां औषधियां नहीं थी वहां वहां लाई और रोपी गई है। इसी प्रकार जहां जहां मूल व फल नहीं थे वहां वहां लाए और रोपे गए। मार्गों पर मनुष्यों तथा पशुओं के आराम के लिए रोपे कुएं खुदवाए गए और वृक्ष भी लगवाए गए, जो कि हमारा गवर्नमेंट इतने साल के बाद अभी कुएं और वृक्ष लागवड़ वगैरह बना रहा है। इतने 2300 साल पहले ये कार्य हो चुका है। अब ये अशोक का बराबर गुफालेख द्वितीय क्या है ये देखते हैं। लिप्यंतर है, लाजिता पियद सीना दुआ उस वसा भी सी तेना इयम कुभा खलतिक पवतसी दीना आजीवी के ही। अशोक के बराबर गुफा के प्रथम और इस द्वितीय लेख में लगता है किसी ने बाद में आजीवी के ही शब्द मिटाने की कोशिश की है। अशोक पौत्र दशरथ के नागार्जुनी गुफा के प्रथम लेख में भी ऐसा ही हुआ है। द्वादश वर्ष से अभिषिक्त राजा प्रियदर्शी ने खलतिक पर्वत पर स्थित यह गुफा आजीविकों को प्रदान की है। दिव्यावदान के अनुसार उत्तराधिकार की लड़ाई को भाइयों के बीच ही हुई थी, जबकि महाबोधि वंश में इस युद्ध में एक और अशोक था और दूसरी ओर 98 भाई थे 98 जिन्होंने अपने सबसे बड़े भाई सुसीम का साथ दिया था, जो उस समय युवराज और दरअसल सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था। दिव्यावदान अशोक के दावे के समर्थन में कहता है कि जब बिंदुसार जीवित था तो उसने एक बार आजीविक साधु पिंगलवत्स को बुलाया था। पिंगलवत्स ने फैसला किया था कि सभी राजकुमारों में अशोक सिंहासन के सबसे उपयुक्त है। इस ग्रंथ के अनुसार अशोक के समर्थन में बिंदुसार के सभी मंत्री प्रधानमंत्री और 500 मंत्री थे। अब ध्यान देते हैं कि बात यह भी है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने एक जनश्रुति का उल्लेख किया है जिसमें स्वयं भगवान बुद्ध ने अशोक के चक्रवर्तित्व की भविष्यवाणी की थी। जनश्रुति है कि कपड़े का एक टुकड़ा और सोने की छड़ी दोनों 18 भागों में विभक्त हो गए तो इसका भाष्य करते हुए भगवान बुद्ध कह रहे कि उनके निर्वाण के 100 से अधिक साल बीतने पर उनके उपदेश 18 भागों में विभक्त हो जाएंगे, जब अशोक नाम का एक राजा पैदा होगा जो सकल जम्बूद्वीप पर शासन करेगा। इसी में यही बताया गया है कि अशोक ने अपनी रानी पद्मावती से प्राप्त अपने नवजात पुत्र को धर्म विवर्धन नाम दिया था। शिशु की आंखें हिमालय के कुणाल पक्षी की तरह थी, इसीलिए अशोक ने उसे कुणाल कहना शुरू किया था। सम्राट अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय और कुछ यवन राजाओं से समसामयिक था, इनका उल्लेख शिलालेख 8 में है। इसी से विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उनके राज्याभिषेक की सही तारीख का पता नहीं चलता है। अशोक ने लगभग 40 वर्ष राज्य किया, इसीलिए राज्याभिषेक के समय वह शायद युवक ही होगा। शासक संघटक का प्रारूप लगभग वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे राजुकु, प्रादेशिक, युक्त आदि। अशोक ने धार्मिक नीति तथा प्रजा के कल्याण का भावना से प्रेरित होकर उनके कर्तव्य में विस्तार किया। अपने राज्याभिषेक के 9 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु दूसरे देशों को 7 मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा, उसने खस नेपाल को विजित किया और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अपने राज्याभिषेक के 9 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदवंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। प्लीनी की पुस्तक में उद्धृत
मेघस्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी और इससे भी कई गुना सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खारवेल के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जितना आवश्यक था कुछ कलिंग को जीतने का दूसरा कारण भी था कि दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलना आवश्यक था, किंतु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होगा क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार को महत्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहां वाइसराय नियुक्त कर दिया गया और तोसली इस प्रांत की राजधानी बनाई। संसार के इतिहास में अशोक इसीलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य अच्छे करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान तथा सुचिता, और आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना। ब्रह्मगिरी शिलालेखों में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत माना गया है और महान अशोक के अनुसार यह पुरानी परंपरा है। तीसरे शिलालेख में अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को भी धम्म माना है। अशोक ने न केवल धम्म ही व्याख्या की है, वरना उसने धम्म की प्रगति के बाधक पाप की भी व्याख्या की है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण पर बल दिया है। मनुष्य हमेशा अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है, यह कभी नहीं देखता है कि मैंने क्या पाप किया है। व्यक्तियों को देखना चाहिए कि ये मनोवेग चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान व्यक्ति को पाप की ओर न ले जाए और उसे भ्रष्ट न करे। इसीलिए अशोक, महान अशोक के जो कार्यकाल में जो कुछ बातें हुई, कोऑपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी और सारी बातें अभी हमें यहाँ लागू हो रही है और उनकी पूरी प्रेरणा लेकर हम ये यूनिवर्सिटी में पीपीएस के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे पीआर सर ने महान अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा जो स्लोगन दिया है, यही स्लोगन के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।